बोकारो में हुई जबरदस्त बारिश ने बोकारो स्टील प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। बता दें कि बोकारो के नया मोड़ से माराफारी होते हुए बोकारो रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क में पानी भरा हुआ है। इस जलजमाव को देखकर आप यह नहीं समझ पाएंगे कि यह सड़क है या फिर तालाब। लोग जान हथेली पर रखकर इसे पार करते नजर आ रहे हैं। इस सड़क से बोकारो स्टील प्लांट में गाड़ियों का आना जाना होता है। वहीं इस जलजमाव के कारण गाड़ियों की भी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। बता दें कि संजीदगी के साथ काम नहीं होने पर इस रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं, जिस कारण लोग आए दिन दुर्घटना के शिकार होते रहते हैं। कमर से ऊपर है। कमर से ऊपर जी, इसमें कोई खतरा भी हो सकता है? खतरा ही खतरा है। फरास भी मिस होगा तो सीधा नीचे अंदर जाने का काम। प्रबंधक से क्या कहना चाहिए? प्रबंधक तो देख ही रहे हैं, सब गाड़ी आइए जा रहा है, प्लांट का गाड़ी आ रहा है, आदमी सब चल रहा है, तो प्रबंधक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। लगभग लगता है हमको साल भर से यही हाल है, साल छः महीना से जब बारिश होता है तब ये हाल है इसका। बहुत रिस्क ले रहे हैं, बहुत रिस्क ले रहे हैं, बहुत खतरा हो सकता है। आप प्रबंधक को क्या कहेंगे इसके बारे में? प्रबंधक को ध्यान देना चाहिए, ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। सुना जाता है कि यहाँ पर एक गड्ढा भी है। हाँ, बहुत बड़ा गड्ढा है, पता नहीं चलता। हाँ, न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।